मोदी की गारंटी चारों तरफ हर जगह यही एड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिटफंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। ओए छोटे भास्कर यार, पापा की करो, पटवा खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर हैं, और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है ना कोई करप्शन साबित हो पाया है,